हेलो दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि ये जगह आप देख रहे हो, ये राजस्थान के मेड़ता शहर के अंदर स्थित है और यहाँ पर ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये मीराबाई का प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इनको साथ साथ दर्शन भी दिए हैं। दोस्तों इस मंदिर के अंदर चलकर हम आपको पूरे मंदिर की सैर करवाने वाले हैं। मीराबाई का जन्म मेड़ता शहर के अंदर सन 1498 ईस्वी के दौरान हुआ। इनके पिताजी का नाम रतन सिंह राठौड़ था और माता का नाम वीर कुमारी था। बचपन से ही ये कृष्ण भक्ति के प्रति जागृत हो उठी थी और कहा जाता है एक बार एक साधु आए थे, साधु महात्मा, उन्होंने रतन सिंह राठौड़ को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भेंट की और उस समय मीरा ने उस मूर्त को देख लिया और मीरा हट पकड़ के बैठ गई कि मुझे यह मूर्त चाहिए। लेकिन रतन सिंह राठौड़ यह सोचते हुए उन्होंने मीरा को मना कर दिया कि यह अभी छोटी बच्ची है और शायद इस मूर्ति का वो सही तरीके से सम्मान नहीं कर पाएगी। लेकिन मीरा को जब वह मूर्ति मिली तभी उन्होंने खाना खाया और उसके बाद में वह उसी मूर्त को अपना सब कुछ मान बैठी और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम, उनकी जो भक्ति है वो जागृत हो उठी। दोस्तों ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है आपको बेहद ही आकर्षक है और ये अंदर से काफ़ी लुभावना है। और यहाँ पर दोस्तों जो भगवान श्री कृष्ण की कथा का हर समय आयोजन होता रहता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, और लाखों लोग जब यहाँ पर मेला भरता है तो लाखों लोगों की भीड़ जमा होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कथा वाचन हो रहा है और ये आपको दिखाई दे रही है भगवान जो हनुमान है उनकी मूर्त। अब हम मंदिर के अंदर की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक किंवदंती और भी है कि कहा जाता है कि एक बार जब मीराबाई के घर के जो उनका महल था उनके सामने से एक बारात निकली, तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरा पति कहाँ है, तो इनकी माँ ने हंसते हुए बोला कि तुम्हारे पति भगवान श्री कृष्ण है। और इसके बाद में मीरा भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लग गई और कुछ समय पश्चात उनकी माँ की मृत्यु हो गई और मीराबाई की शादी मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुई। लेकिन कुछ समय बाद ही भोजराज की युद्ध में मृत्यु हो गई और मीरा विधवा हो गई। और उस समय एक प्रथा जब प्रचलित थी सती प्रथा, तो मीराबाई को सती होने के लिए बोला गया। लेकिन मीराबाई ने कहा मेरे पति भगवान श्री कृष्ण अमर है, इसलिए मैं सती नहीं हो सकती। और इसके चलते उनके ससुराल वालों ने उनका विरोध किया और कहा जाता है कि उसके बाद में जो राणा विक्रमादित्य है उन्होंने इनको जहर की एक टोकरी भी भेजी, जहर की एक कटोरा भी भेजा था, लेकिन मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके वो कटोरा जहर का पी लिया और ऐसा माना जाता है कि वो अमृत बन गया। ये देखिए दोस्तों, ये मीराबाई का मंदिर अंदर है, जो ये मेन मुख्य मंदिर है ये अंदर की ओर, ये पूरा लुभावना दृश्य दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो। और मीराबाई के साथ बहुत सारी यातनाएं इनको झेलनी पड़ी। इनको एक सांप जो सर्प था उसको भी एक टोकरी के अंदर भेजा गया, लेकिन मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को वो अर्पित करते हुए अपने गले में डाल लिया और ऐसा माना जाता है कि वह सांप एक फूलों की माला बन गई। इसके पश्चात दोस्तों मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में और ज़्यादा मग्न हो गई और परिवार वालों की पीड़ा के चलते, उनके यातनाओं के चलते उन्होंने वहाँ जो ससुराल है वो छोड़ दिया और वृंदावन चली गई। वृंदावन में दोस्तों इनके गुरु वेदांत इनको मिले और ये समझता है कि तुलसीदास जी उस समय जो तुलसीदास जी थे, तो उनकी राय से ही मीरा ने अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि तुलसीदास जी ने बताया कि भक्त और जो भगवान है उनका संबंध ही अमर है, बाकी जो सारा जग है वो मिथ्या है, झूठ है। और तुलसीदास की इसी बात स्वीकार करते हुए मीराबाई ने सब कुछ त्याग दिया और वृंदावन चली गई और वृंदावन में वहाँ पे भगवान के गुणगान करने लगी। और उसके बाद में अंतिम समय में ये द्वारिका चली गई और द्वारिका में ही ऐसा माना जाता है कि ये कुछ समय भक्ति करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्त में लीन हो गई। दोस्तों ये देखें मंदिर, ये मंदिर के चारों ओर का नज़ारा है जो हम देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम आपको अंदर की ओर लिए चलते हैं कि जो मंदिर के चारों ओर परिक्रमा मार्ग है उसमें भी बहुत सारे जो देवी देवता है उनकी मूर्त, उनके छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं।
दोस्तों आपको जब कभी भी यहाँ जाने का मौका मिले आप ज़रूर जाइए यहाँ पे, क्योंकि ये मंदिर बेहद ही आकर्षक है और आप यहाँ पर जाकर एक तरह से आनंद महसूस करोगे। दोस्तों यहाँ पर लाखों लोग मेले के दौरान आते रहते हैं और आम दिनों में भी हजारों लोग यहाँ पर मीराबाई के मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। ये भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता की मूर्त है। अंदर भी और चलते हैं दोस्तों हम। ये परिक्रमा मार्ग है दोस्तों यहाँ पे चार ओर। ये देखिए दोस्तों इधर की ओर चलते हैं, ये मंदिर के पीछे का नज़ारा है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो मंदिर का नज़ारा है बेहद आकर्षक है और मन भावन है। दोस्तों आप कभी यहाँ पर आओ मेड़ता शहर के अंदर तो मीराबाई के मंदिर के दर्शन ज़रूर करना। दोस्तों ये मध्यकालीन जो इतिहास के दौरान मीराबाई प्रसिद्ध हुई और उस दौरान ये प्रसिद्ध कवियत्री भी थी। इन्होंने काफ़ी भगवान श्री कृष्ण की जो रचनाएँ हैं वो भी लिखी है और इसीलिए दोस्तों इनकी जो रचनाएँ हैं आज भी उनका गुणगान किया जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इनकी जो रचनाएँ हैं उनका गुणगान करते हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये बाहर का नज़ारा है, ये आम दिनों का नज़ारा है जब लोग यहाँ पर आते हैं। मेले में तो दोस्तों यहाँ पर दर्शन के लिए काफ़ी भीड़ लगती है और सही तरीके से दर्शन भी नहीं हो पाते। ये दोस्तों मंदिर काफ़ी खूब फैला है। ये भगवान जो रामदेव जी है प्रसिद्ध लोक देवी देवता जो राजस्थान के हैं उनका ये मंदिर है। यहाँ पर दोस्तों इस मंदिर के अंदर लगभग सभी देवी देवताओं की मूर्त है और उनके छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये देखिए दोस्तों अंदर की ओर, यहाँ पे जो ये बूढ़ी माता है वो भी दर्शन के लिए हमेशा आते रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो कथा का प्रोग्राम हमेशा चलता रहता है तो माताएं उनका लुत्फ उठाती रहती है, कथाएं सुनने आती रहती है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आने पर मन को एक सुकून सा मिलता है, एक शांति मिलती है। ये दोस्तों मंदिर के बाहर की ओर लोगों को बैठने के लिए एक हॉल है जहाँ पर लोग विराजमान होते हैं और आराम करते हैं। ये देखिए तो अंदर की ओर दोस्तों यहाँ के जो बूढ़ी माताएं हैं बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो अपना सारा दिन भी यहीं पर बिताते हैं और वो ऐसे मानते हैं कि यहाँ पर उनको सुकून मिलता है। जितना सुकून उनको यहाँ घर पे नहीं मिलता उतना यहाँ पर मिलता है। दोस्तों हम आप एक मीरा मूर्त लगी हुई है आदि मूर्त वो भी हम आपको दिखाते हैं, देख सकते हो ये मीराबाई की मूर्त। इधर लिए चलते हैं दोस्तों हम आपको। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्त है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।